रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आसार हैं। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि भारत का रूस और यूक्रेन से संबंध कैसा है। भारत का दोनों देशों से दोस्ताना और व्यापारिक संबंध है। भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल के साथ साथ कई अहम रक्षा सौदे हुए हैं। भारत अपनी सैन्य जरूरतों का 55% सामान रूस से आयात करता है और कई मामलों में दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वहीं यूक्रेन के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। साल 2020 में भारत ने यूक्रेन से $1.45 बिलियन के खाने वाले तेल की खरीद की। इसी तरह भारत ने यूक्रेन से करीब $210 मिलियन की खाद और करीब $103 मिलियन का न्यूक्लियर इक्विपमेंट और बॉयलर मंगाया। दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो भारत यूक्रेन और रूस में से किसका साथ देगा। दोनों ही देश भारत के करीब हैं। ऐसे में भारत की कूटनीति के हिसाब से भारत को निष्पक्ष रहना होगा। भारत और चीन के बीच लगातार विवाद चल रहा है। ऐसे में आपने देखा होगा कि रूस भी निष्पक्ष भूमिका निभाता है। अगर भारत रूस का समर्थन करता है तो यूक्रेन के साथ व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं अगर यूक्रेन का समर्थन करता है तो रूस के साथ अहम रक्षा सौदों पर ब्रेक लग जाएगी। अमेरिका तो पहले से ही ये चाहता है कि भारत रूस से S-400 मिसाइल ना खरीदे। पहले जब जब ऐसी स्थिति बनी तब भारत ने क्या किया, ये भी आपको समझा देते हैं। जब रूस ने 2014 के शुरू में क्रीमिया पर कब्जा किया था तब भारत में UPA की सरकार थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस वक्त इसका विरोध किया था। 2020 में यूक्रेन ने क्रीमिया में मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया, तब भारत ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया था। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हमें कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ये भी जान लीजिए। सबसे पहले हमारा व्यापार प्रभावित होगा। शेयर मार्केट में बीते हफ्ते बनी उठापटक की स्थिति इसका स्पष्ट उदाहरण है। दूसरा, करीब 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में रहते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा भारत कच्चे तेल के लिए रूस पर निर्भर है। ऐसे में युद्ध होने पर कच्चे तेल का भाव बढ़ेगा और महंगाई बढ़ जाएगी। भारत की इकोनॉमी और ट्रेड को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। युद्ध जैसे बने इस हालात में भारत को अपनी नजर बनाए रखनी होगी। भारत की ये कोशिश होगी कि दोनों देश के बीच शांति रहे। युद्ध ना तो हल है ना ही इससे किसी को फायदा होगा, और इसका नुकसान रूस और यूक्रेन नहीं पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा।